हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने जो पुरानी वीडियो में पढ़ा था वो था न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, और इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ये पढ़ना है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता क्या है। एफ एक्स बराबर एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच निवला एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस ए प्लस एन एच निवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर प्लस, चलते हुए फ्रेंड्स ये चलेगा अपने पास, एक्स माइनस ए प्लस एन एच से चलते हुए ये जाएगा एक्स माइनस ए प्लस एच तक। ये सारे टर्म से माइनस हो जाएंगे ये जाए, और लास्ट में आएगा निवला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ये शो करना है फ्रेंड्स हमें। तो ये शो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सो प्रूफ प्रूफ करते हैं हम कि हमारे पास जो हमने ये फॉर्मूला है ये सही है। ये मानने के लिए फ्रेंड्स, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, वेयर वेयर इफ एक्स इक्वल टू ए प्लस एच ए प्लस 2h डॉट डॉट ए प्लस एन एच, ये हैं। तो हमारे पास जो एफ एक्स दिया हुआ है ये जो इंटरवल इंटरवल है वो इक्वल है, तो एफ एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h डॉट डॉट एफ ए प्लस एन एच रेस्पेक्टली। ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यू है हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमने एक फंक्शन मानना है, जहाँ पे फंक्शन है उसको हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच एंड क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में ही, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हो गया प्लस, चलते हुए हमारे पास जो फंक्शन लास्ट का लास्ट पद है उसका ये एन एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, ये इस तरह से। और लास्ट का पद जो है अपने पास एक्स माइनस ए प्लस एच, ये फिर से अपने लास्ट का पद है, जहाँ पे हमने वेयर ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 ए एन आर कॉन्स्टेंट, हमने फ्रेंड्स फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर लिया, और जहाँ पे हमने मान लिया कि ए जीरो ए वन ए दो ए टू डॉट डॉट सारे जो भी ए एन है हमारे पास कॉन्स्टेंट है। अब फ्रेंड्स, इफ वी पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एन एच, हम एक्स इक्वल टू ए प्लस एन एच पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस एन एच पुट किया तो एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू, यहाँ पे ए जीरो फ्रेंड्स ये टर्म होगी ए प्लस एन एच पर जीरो हो जाएगी, ये टर्म होगी ये यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, इस तरह सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ए जीरो इक्वल टू हो गया ए प्लस एन एच। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे देते हैं हम इसको। अब सेकंड दे देते हैं, सेकंड इफ वी पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एच, अगर एक्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एच पुट कर रहे हैं फ्रेंड्स हम,
तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ये एफ एक्स तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन एच इक्वल टू, ए जीरो रहेगा हमारे पास क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, उस पर कोई एक्स का कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ए वन यहाँ पर हमने पुट किया, हमने क्या पुट किया है ए ए वन, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एच पुट किया है। तो उस कंडीशन फ्रेंड्स ए से तो ए कट जाएगा और एन एच के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे भी एन एच आएगा तो वो कट जाएगा, ये एन एच कट जाएगा क्योंकि माइनस का साइन जाएगा यहाँ पे, तो रह जाएगा अंदर ओनली माइनस एच रह गया फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ से निकालनी है ए वन की वैल्यू निकालनी है, तो ए वन की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस टर्म को हम इधर ले जाते हैं और इस टर्म को इधर ला रहे हैं हम फ्रेंड्स, तो ये कर रहे हैं इस टर्म को इधर ले जाए तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एंड एच इक्वल टू ए जीरो क्या है हमारे पास है, ए जीरो इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच एफ ए प्लस एन एच माइनस, अब ये इधर आया है तो ये माइनस हो गया, ये हो गया एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, ये हो गया फ्रेंड्स। तो हमारे पास ए बराबर हो गया एफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ए प्लस एन माइनस वन एच अपॉन एच, तो इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नेवला एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टर एच लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास फ्रेंड्स। ये वैल्यू तो ए वन की वैल्यू है, ए वन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है नेवला ए प्लस एन एच अपॉन एच। अब सिमिलरली इफ बी फुट एक्स इक्वल टू, जो अगली टर्म में हमें ए टू निकालना है, तो ए टू के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए टू निकालना है तो हमें ए थ्री से आगे वाले टर्म को जीरो करना है, तो एक्स बराबर ए प्लस एन माइनस टू एच पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी सारी टर्म हमारे पास जीरो हो जाएंगे, ए टू वाली टर्म बच जाएगी, ए वन वाली बच जाएगी, ए जीरो बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास इसी तरह सॉल्व करना है हमें, तो ए टू बराबर आ जाएगा हमारे पास नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच स्क्वायर और टू फैक्टोरियल। इसी तरह ए थ्री के लिए सॉल्व करेंगे तो ए थ्री बराबर आएगा हमारे पास नेवला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच सॉरी नेवला क्यू एच क्यू एंड थ्री फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ये फ्रेंड्स आप जो हमने पुरानी वीडियो में जो हमने समझाया था उसमें भी आप देख सकते हैं, हमने वहाँ पे डेल के लिए हमने निकाल के बताया था, ये टू भी निकाला था, ये थ्री भी निकाला था, यह हमने सीधे लिख दिया है क्योंकि हम पहले वो दिखा चुके हैं। इस तरह फ्रेंड्स जो ये एन आएगा वो आएगा हमारे पास नेवला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच एन एंड एन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा इस तरह से। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू जो ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे फंक्शन में, जो पुट कर दे फंक्शन जो हमने माना है, क्या माना है हमने फंक्शन, यहाँ पे माना है एफ एक्स बराबर ए जीरो ए वन एक्स माइनस ए माइनस एन एच, इसमें पुट कर देते हैं ए वन ए टू ए थ्री सारी वैल्यू में पुट कर देंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच डेल एफ ए प्लस एन एच अपॉन फैक्टोरियल अपॉन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच डॉट मल्टीप्लाई सॉरी फिर मल्टीप्लाई है डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन एच स्क्वायर फैक्टोरियल टू, ये आ जाएगा। फिर इस तरह चलता हुआ ये आ जाएगा, लास्ट की टर्म जो होगी वो होगी हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, और ये मल्टीप्लाई चलते हुए ये आएगा लास्ट मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस ए प्लस एच ये कोष्टक बंद नेवला सॉरी नेवला है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डेल बोलता जा रहा हूँ नेवला है नेवला एन एफ ए प्लस एन एच अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसको ये जो फॉर्मूला है ये हमारे पास न्यूटन
ग्रेगोरी फॉर्मूला है ये पास, लेकिन हम जो फ्रेंड्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिंपली हम इसमें यूज़ नहीं करते सिंपल, उसके लिए हम यूज़ जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम पढ़ते हैं उसके लिए हम x बराबर कोई a प्लस एन एच मानते हैं, तो x बराबर a प्लस एन एच पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा f a प्लस एन एच। ये क्या है जहाँ पे हमें फॉर्मूला पहले पूछी हुई है इक्वल टू a प्लस एन एच यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस एन एच पुट करना है हमें फ्रेंड्स, ए प्लस एन एच प्लस एच यू, जो ए प्लस एन एच है ये तो हमारा अपना लास्ट वाला पद होगा, और एच यू जो एच यू यहाँ दिखाएगा जो पद हम कौन से निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर ये वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच, ये तो रहेगा प्लस यू यू बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे जो होगा ए प्लस एन एच से ए प्लस एन एच कट जाएगा तो एच यू रह जाएगा ओनली यू नेबला एफ ए प्लस एन एच यहाँ पे ये रहेगा अपॉन एच, इसी तरह ये चलते हुए यू यू प्लस वन, अगली जो टर्म होगी यू यू प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस, चलते हुए जो लास्ट की टर्म होगी फ्रेंड्स वो होगी हमारे पास यू यू प्लस वन डॉट डॉट यू प्लस एन माइनस वन अपॉन एन फैक्टोरियल नेबला नेबला एन एफ ए प्लस एन एच, ये हो जाएगी फ्रेंड्स। जो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो वैल्यू हमारे पास दी निकालने के लिए दी होती है हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं उससे, ये फ्रेंड्स हमारे पास दिया हुआ है गिवन, एग्जांपल ले रहे हैं हम गिवन एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और उन पर एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है वन दी हुई है एट दी हुई है नाइन दी हुई है सिक्सटी फोर दी हुई है 125 दी हुई है 216 दी हुई है 343 दी हुई है 512 दी हुई है ये दी हुई है, और फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू पूछी है फाइंड एफ एफ 7.5 यानी एक्स एक्स पे 7.5 पे हमें वैल्यू निकालनी है ये हमारे पास पूछा है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम सबसे पहले टेबल इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ये एफ एक्स की वैल्यू है ये के इक्वल लगभग है आस पास है इसके, तो हमें इसमें बैक इसमें हमें फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड लगाना फायदेमंद रहेगा, तो एफ ए प्लस एन एच क्या है अपने पास ए प्लस एन एच इक्वल टू एट लास्ट का पद है जो है अपने पास, एंड जहाँ पे ए बराबर क्या है वन एच बराबर क्या है वन एंड एक्स बराबर क्या है फ्रेंड्स जो पद हमारे पास पूछा हुआ है वो है अपने पास 7.5 एक्स बराबर 7.5, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ए प्लस एन एच प्लस ये तो एन एच प्लस एच यू इक्वल टू 7.5, तो ए प्लस एन एच तो अपने पास 8 हो गया और ए यानी कि एच यू इक्वल टू 7.5 माइनस 8 या यू इक्वल टू 7.5 जो एच की वैल्यू है अपने पास, एच की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 1, तो यू वन से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन ही रहेगा, ये वन से डिवाइड होने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस 0.5 यू बराबर फ्रेंड्स ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम एक टेबल निकालते हैं जो कि बैकवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल होगी फ्रेंड्स, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं हम यहाँ पर बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रेंड्स, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में कोई भी इफेक्ट नहीं होता सेम टेबल होती है, तो यहाँ पे होंगे हमारे पास x की वैल्यू इस तरह से और यहाँ पे होंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, एफ एक्स की वैल्यू फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे वन पे वन थी यहाँ एट थी यहाँ 27 दी हुई है 64 दी हुई है 125 216 343 512 ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है फ्रेंड्स। अब हमें निकालना है सबसे पहले नेबला एफ एक्स,
नेबुला एपेक्स निकालने के लिए इसमें से इसको घटा देना है, माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा 7। इस तरह इसमें माइनस किया तो 21, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 37, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा 61, इसमें से इसको माइनस किया तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 127, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा अपने पास, सॉरी फ्रेंड्स ये 91 आएगा, 91 ये आ जाएगा 127 और ये आ जाएगा 169। अब यहाँ पे नेबुला स्क्वायर सेकंड डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा अपने पास 7, 21 माइनस 7 तो ये आ जाएगा 12, अगला 18, इस तरह इसमें से इसको किया तो हो जाएगा अपने पास 24, फिर 30, 30, 36, 42। अब हमें नेबुला क्यू निकालना है, नेबुला क्यू एफ एक्स बराबर वो हो जाएगा इसमें से इसको माइनस करते हुए जाना, तो ये 6, 6 सभी 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे जो निकालेंगे हम अगर डेवलप फोर एफ एक्स निकालें तो वो सब 0, 0 आ जाते हैं, क्योंकि इनमें से माइनस करो तो 0, 0 आ जाएंगे, हमें आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ए प्लस एन एच प्लस एच यू इक्वल टू, यह एफ ए प्लस एन एच प्लस यू नेबुला एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच प्लस यू यू प्लस 1 यू प्लस 2 नेबुला क्यू एफ ए प्लस एन एच अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यू। आगे फिर से आगे टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे टर्म जो हो रही है हमारे पास 0 हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला रहा है इसके लिए हमारे पास। तो हमें निकालना है एफ 7.5, ये ए प्लस एन एच प्लस एच यू इक्वल टू 7.5 था, तो ये निकालने के लिए एफ ए प्लस एन एच ये क्या है हमारे पास 5.12, तो एफ ए प्लस एन एच यानी कि एफ ए टू की वैल्यू थी वो 5.12 है, ये 5.12 प्लस, अब यहाँ पे यू की वैल्यू थी माइनस 0.5 इंटू, अब नेबुला एफ ए प्लस एन एच यानी कि ये नेबुला ए टू बराबर क्या है अपने पास 169 प्लस ये हो गया, इस तरह से यहाँ पे माइनस 0.5 यहाँ पे यू एंड यू प्लस 1 तो ये 0.5 हो जाएगा, और नेबुला स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच यानी कि 42 अपॉन फैक्टोरियल 2। इस तरह अगली टर्म आएगी वो आ जाएगी हमारे पास यू यू प्लस 1 एंड यू प्लस 2 ये तो माइनस 0.5 ये हो जाएगी 0.5 एंड यू प्लस 2 ये हो जाएगी 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 ये हो जाएगा डेल क्यू एफ ए प्लस एन एच ये वैल्यू हमारे पास ही आ गई। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाएगा 5.12 प्लस ये माइनस का आएगा माइनस 84.5 माइनस 5.25 माइनस 0.375 जो कि फ्रेंड्स अपने पास लगभग आ जाएगा 421.875 इसके इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन है।